हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। यानी हम ये देखेंगे कि कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के सामने रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो हम ध्यान से देखेंगे कि अवतल लेंस के सामने रखी हुई किसी भी वस्तु का दो ही स्थिति हो सकता है। एक तो वस्तु अनंत पर हो सकती है और दूसरी स्थिति हो सकती है कि प्रकाशित केंद्र और अनंत के मध्य कहीं भी हो सकती है। यानी दो ही तरह के फिगर बनते हैं अवतल लेंस के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल लेंस द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, हम इसको देखते हैं। तो क्या है कि हम यहाँ पे एक वस्तु बनाते हैं एबी, एबी, और मानते हैं कि यह वस्तु अनंत पर है। तो अनंत से चलने वाली किरणें ज्योति और मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती हैं। तो आइए हम देखें कि किरण आरेख द्वारा हम अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो हम खींचते हैं, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले तल से एक किरण समांतर रेखा हम खींचेंगे, प्रकाश किरण ऐसे खींचेंगे, और यह इसके फोकस ऐसे खींचते हुए यहां तक लाएंगे। तो जब मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वह क्या होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यानी कुछ इस तरह से इनफॉर्म यहाँ पे रेखा चित्र बनेगा, क्योंकि यह किरणों को क्या करेगा, फैला देता है ऐसे। लेकिन इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यह देखेंगे अवतल लेंस के फोकस से होकर के जाएगा। इसी तरह से हम इसका भी खींच देते हैं किरण आरेख, ठीक है। फिर देखिए अब ये भी किरण क्या करेगी, फैला देगी। देखिए ये किरण क्या होगी, यहीं से फैल जाएगी इधर की तरफ। लेकिन जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे फोकस से होकर के जाएगी। तो देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं, लेकिन अगर इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वह एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला किरण आरेख है ये ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर से इधर की तरफ आया है, और ये नीचे वाला देख रहे हैं इधर से जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ से जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनेगा, जो वस्तु से बहुत छोटा होगा और आभासी होगा यानी सीधा होगा। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं कि तो इस तरह से यह पहली अवस्था है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो किरण आरेख जब हम अनंत से खींचेंगे तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और समांतर किरणें जब जाएंगी तो किरणों को फैला देगा। लेकिन फैली हुई किरणों को जब वापस पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वह एक दूसरे को मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस स्थिति में अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर बनता है, जो वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का बनता है, आभासी बनता है, अर्थात जो फिगर यहाँ पे बनेगा वो सीधा बनता है। तो ये पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति यह है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशी केंद्र के मध्य, यानी वस्तु अब अनंत और प्रकाशी केंद्र ओ के मध्य कहीं भी रखेंगे तो उस स्थिति में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उसका हम किरण आरेख खींच लेते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि अब क्या करेंगे, हमने एक यहाँ पर ले लिया है ए और बी, एक वस्तु ले लिया है। अब इसके लिए हम किरण आरेख खींचते हैं, देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पहली रेखा यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर खींच देंगे ऐसे। जब मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे तो हमको मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो होती हैं वो फैलती हैं, और फैलती हैं तो पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो वह अपने मुख्य फोकस से होकर के ऐसे चली जाती हैं। यानी ये रेखा तो फैल गई इधर, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वह अपने मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। अब दूसरी रेखा हम क्या करेंगे, इसी सिरे पर रख करके उसे प्रकाशी केंद्र से खींचेंगे। देखिए प्रकाशी केंद्र से अगर हम खींचे रेखा तो हमको मालूम है कि प्रकाशी केंद्र से खींची गई रेखा सीधी निकल जाती है। देखिए
ऐसे निकल जाते हैं। तो यह दोनों किरण एक दूसरों के इस बिंदु पर काटती है, तो सीधी निकल गई, और ये समांतर रेखा को हमने पीछे बढ़ाया तो इस बिंदु पर काटे, यानी देखेंगे ये ऊपर वाली ही रेखा ऊपर जा रही है, ये ऊपर वाला ही रेखा यहाँ पे काटता है, तो ऊपर का प्रतिबिंब ऊपर और नीचे का प्रतिबिंब यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाएगा, यानी अब ये ए डैश हो गया और ये हो गया बी डैश। अब प्रतिबिंब कहाँ बन गया, मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य बना है, वस्तु से छोटा बना है और सीधा बना है, इसलिए सीधा प्रतिबिंब चूंकि आभासी होता है तो यह प्रतिबिंब आभासी होगा। यानी जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र के मध्य होगी तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही बनेगा और मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य बनेगा, जो वस्तु से छोटा सीधा तथा आभासी होगा। तो आइए इसको भी हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र के मध्य होगी तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही बनेगा और आउटर लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य बनता है, जो वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। सीधा होने के कारण हम उसको पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार हम याद रखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है वह सिर्फ दो स्थितियों में बनता है, एक तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उस स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा कि उसके मुख्य फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का बनेगा, सीधा बनेगा तथा आभासी बनेगा। दूसरी स्थिति यह है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र के मध्य में रखी जाए तो उन सभी स्थितियों में उस वस्तु का प्रतिबिंब फिर से लेंस के और वस्तु के जो वस्तु रखी गई लेंस के सामने उस वस्तु के ओर ही बनेगा, यानी इधर ही बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा तथा आभासी बनेगा। इन दोनों फिगर को ड्रा कर लेंगे, ये लिख लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।